ओ यार, मुझे ना एक बहुत कमाल की न्यू अपडेट मिली है। रुको यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यार वाकई में कोई है तो नहीं? नहीं है यार, मतलब यार तुम लोग खुद देखो मेरी इस न्यू अपडेट को। कहाँ गई यार न्यू अपडेट? अबे अभी तो मेरे पास थी। ओ ये देखो यार, ईविल हल्क की तरह है ये, हल्क बस्टर। ओ रो पीरो। अबे कहाँ जा रहा हूँ? रुक जा यार, रुक जा। पता नहीं यार, ये सब मेरे को नीचे गिराने की फिराक में क्यों है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है आजकल। अरे हाँ यारो, तो यो तो गुड डे यारो। यारो ये फोर्थ पार्ट है, इस वीडियो का फोर्थ पार्ट। सब पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को कुछ बता देता हूँ कि पहले दूसरे तीसरे पार्ट में हुआ क्या था। यारो सोल्जरों से लड़ते वक्त मुझे ना न्यू अपडेट मिली एक, वो भी यार थॉर की न्यू अपडेट मिली थी पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मुझे टिप्सन ने आयरन मैन का सूट दिया था, और तीसरे पार्ट में मुझे एक बक्से में से स्पाइडर मैन का सूट मिला, और चौथा पार्ट ये है। तीनों पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना, देखियो। यारो टिप्सन पता नहीं यार क्यों दो बार कॉल कर चुका है, हम लोग जल्दी से चलते हैं टिप्सन के पास, पता नहीं क्या कह रहा है। यारो वैसे तुम लोगों को क्या लगता है आज मुझे कौन सी न्यू अपडेट मिल सकती है? कुछ कह नहीं सकते यार, पर जो भी न्यू अपडेट मिलेगी कतई गदर मिलेगी यार, क्योंकि तीन पार्ट में बेहतरीन बेहतरीन न्यू अपडेट मिली हैं। इसमें भी यार कुछ ना कुछ अच्छी ही मिलेगी, तो जल्दी से चलते हम लोग टिप्सन के पास। हाँ मैं तो थक गया यार, ये टिप्सन मेरे को इतनी बार फ़ोन क्यों कर रहा है, अभी भी फिर से फ़ोन किया। चलो यार जल्दी से टिप्सन के पास चलते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई यार ये क्या था, मैं तो अच्छा कहा था नीचे उतर रहा था, ये बाइक ख़राब है या मैं किसी खंभे में टकराया? क्या क्या हो रहा है मेरे साथ यार आजकल। चलो यार जो भी हो जल्दी से टिप्सन के पास चलते हैं। ओए अबे शिट यार, ये मेरी गलती नहीं थी, ये वाकई में मेरी गलती नहीं थी यार। हाँ पर कोई ना यार, किसी की भी गलती हो, हम लोग जल्दी से ये बाइक उठाते हैं और चलते हैं टिप्सन के पास। इसको मैं मारता, लेकिन अभी ना टिप्सन मेरे को बहुत बार कॉल कर चुका है, लगता है कोई ज़्यादा बड़ी बात है, हम लोग टिप्सन के पास ही चलते हैं, बाद में सारी चुल्ल करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से निकल लेते हैं टिप्सन के पास। हाँ अबे टिप्सन कहाँ पर रह गया ये टिप्सन? ओ शिट यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अबे कोई है घर में? कोई है भैया? मैं गिरा नहीं हूँ यार, मैं तो बस देख रहा था कोई है घर में, कोई ना है। अरे रे यार अब पैदल ही चलते हैं, अब बाइक चलाने का मूड नहीं है यार, तुम समझा करो, कतई एक बार और गिरा तो हड्डी पसली टूट जाएंगी। अरे टिप्सन टिप्सन, अबे रो पी रो, तू अब आ रहा है, तेरे को मालूम है अभी ईविल हल्क आया था मेरे पास। टिप्सन वो तो आज तू बच गया, क्योंकि मेरा मूड अच्छा था, मैं फिर से आऊँगा और बाईस रंग की पुंगी बजा दूंगा। अबे ये क्या है, रो पी रो कुछ कर, रो पी रो। अबे ये क्या है? ओ शिट यार, ये तो ईविल हल्क का ग्रीन ट्रांसफॉर्मर रोबोट है। शिट यार ये कहाँ से आ गया मनुष्य रोबोट, चले जाए इधर से, इसकी तो निकल जाए इधर से। यारो वाकई में जो ईविल हल्क ने परेशान कर रख रखा, चले जा घटिया रोबोट, चढ़ेले रोबोट, चले जा। आइयो यार, अबे टिप्सन बचा ले यार। अबे टिप्सन कहाँ रह गया ये? अबे टिप्सन तूने देखा उस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को? अब बता यार क्या करूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ईविल हल्क तो और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। रोपी रोप तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अब क्या है वो हल्क बस्टर। रोपी रोप सिर्फ हमारी मदद हल्क बस्टर ही कर सकता है, हल्क बस्टर सूट। अब ये क्या चीज़ है? पता नहीं यार, टिप्सन भी अलग अलग चीज़ें लेके आता रहता है। यारो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, लेकिन टिप्सन ने मस्त बात बताई है मुझको, एक हल्क बस्टर है ना, एक हल्क है लेकिन वो अच्छा हल्क है, और ईविल हल्क तो बुरा हल्क है ही। यारो हल्क बस्टर एक है ना रोबोटिक सूट है हल्क का, समझ में आई? और है ना वो सूट है ना उस बिग बॉस ने लेके रख रखा है, हल्क बस्टर का सूट। जब भी बिग बॉस इतना पावरफुल है, हम लोगों को है ना बिग बॉस से हल्क बस्टर का सूट लेके आना होगा। अगर है ना बिग बॉस को हम लोग हरा देते हैं तो है ना हल्क बस्टर का सूट हमारे पास आ जाएगा, मेरी शॉप पे आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं हरा पाए तो नहीं आएगा। अब यार जो पागल है क्या ट्रक वाला, बेफालतू में ठोक दी मेरी गाड़ी में। चलो यार फटाफट से चलते हैं हल्क बस्टर को लेने के लिए उस बिग बॉस की गुफा में। बिग बॉस की गुफा है, जो भी हो यार वहाँ पर चलते हैं। ये देखो यार, ये आ चुकी है बिग बॉस की बेव, जहाँ पर वो रहता है। आराम से चढ़ानी पड़ेगी, वाह यार पूरी की पूरी। चलो यार अंदर घुस जाते हैं यहाँ पर।
ओ यारो ये देखो, ये आ चुका है अपना बिग बॉस सड़ेला रोबोट। ये सबसे बेकार रोबोट लगता है, मैं सही बता रहा हूँ। एक तो गाना बजाते हुए आता है, कटे रेडियो मस्त है इसका भाई। तू मेरे को हल्क बस्टर का सूट दे दे। अरे एक तो यार ये मारता है, ऊपर से मेरे को सॉरी भी बोलता है, क्या अजीब प्राणी है। बैठो, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हल्क बस्टर मेरे को दे दे भैया। बिग बॉस मैं देख तेरे को मारने के लिए ना आया हूँ, वरना तू बहुत पिटेगा आज मेरे हाथों से। बस मेरे को हल्क बस्टर का सूट दे दे यार। तेरी तो ऐसे कम चलती, तेरे को फोड़ दूंगा, तेरा सारा का सारा सिस्टम क्रैक कर दूंगा। निकल रोबोट। ओए अबे यार, ये तो रॉकेट लॉन्चर फेंकता है मेरे पास, पागल हो गया है क्या तू? अबे सड़ेले रोबोट अपनी लेजर लाइट अपने पास रख। यार ये तो मेरे को मार रहा है, अब क्या करूँ मैं इसका? मेरे को तो यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका करूँ तो करूँ, कर लो इसका पूरे टीन की डिब्बी को उड़ा देता हूँ। यार ये तो मेरे को उड़ा उड़ा के फेंक रहा है। अरे रे अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ले तेरी की तो पूंजी बजा दूंगा, निकल जा बिग बॉस। ओह ये तो गया, ये तो गया यार, गया वाकई में गया। ये तो वाकई में गया यार। अभी एक मिनट यार, मेरे में तो कोई चेंज ही नहीं आया। मैं तो हल्क बस्टर बना ही नहीं, ना मेरे को हल्क बस्टर शूट मिला। शूट यार टिप्टन, इसने मेरे को समझ क्या रखा है? अरे रे इसने तो मेरे से गलत बोला यार, मैं उस टिप्टन को छोड़ूंगा नहीं। पर यार मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, टिप्टन ने मेरे से झूठ बोला तो बोला क्यों? अरे यार बोला होगा, खैर छोड़ो यार। हम लोग ना फटाफट से टिप्टन के पास चलते हैं और उसको पूछते हैं यार तूने ऐसा किया तो किया क्यों। तो यार हम लोग अभी एक काम करते हैं, कोई यार गाड़ी भी तो नहीं है, ये मस्त लग रही है, चलो यार इसी में बैठ के चलते हैं। अबे रुक जा, चल उतर बे, उतर 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 अपनी गाड़ी में से। अब फटाफट से इसको लेके चलते हैं टिप्टन के पास। अबे शिट, अबे यार इसमें तो ब्रेक ही खराब है। अबे पुलिस वाले हट जा। और शिट यार नहीं, ठुक गई मेरी गाड़ी। मैंने कहा था ना ये बेकार गाड़ी है, मुझे तो इसको चलाना ही नहीं चाहिए था। निकल जा, इससे बढ़िया तो यार मैं अपनी शॉप पे से ले लूँगा गाड़ी, ठीक है ना? अरे रे लेकिन ये पुलिस वाले भी तो ना आ रहे यार, ये पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं मेरे को। जल्दी से अपनी शॉप खोलता हूँ और कोई ढूंढते हैं। कार 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 बेकार कोई तो हो यार, कोई भी नहीं है इधर तो, कुछ भी नहीं है इधर तो। अबे ये तो हल्क बस्टर है ना? ओ शिट यार मेरे पास हल्क बस्टर है, निकल जा चतरे, तेरी तो पुंगी बजा दूंगा, एक बार मेरे हाथ से तो लगे। यारो हम लोग ना फटाफट से टिप्टन को दिखाने चलते हैं, क्या मस्त हल्क बस्टर की अपडेट आ गई है मेरे पास। अब्बो 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 ईविल हल्क मेरे से बचेगा नहीं, मैं उसका छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिले तो। अब जल्दी से यारो हम लोग टिप्टन के पास चलते हैं, तुम लोग खुद देखो यार मेरे पास न्यू अपडेट आ गई है, वो भी हल्क बस्टर की। चलो यार फटाफट से चलते हैं। और यारो कतई गदर अपडेट है ये तो। वाह मुझे तो यार इससे पहले ये अपडेट कभी मिली ही नहीं थी यार, लेकिन आज मुझे मिल गई टिप्टन की वजह से। पर टिप्टन का घर किधर है? अरे यार टिप्टन का घर तो बहुत दूर है, पर कोई नहीं यार, हल्क बस्टर की अपडेट को पाने के लिए तो कुछ भी करेंगे। ओ अबे रुक जा यार, ओ शूट यारो कतई मस्त था यार जी, तो दो कारों के बीच में से निकाली है, कतई गदर थी यारो। अब जल्दी से चलते हैं, देखो टिप्टन का घर भी आ गया है पास में, मैं फ़ोन करके देखता हूँ यार। ओ शूट फ़ोन नहीं चलाना यार, ड्राइविंग के वक्त फ़ोन तो बिल्कुल मत चलाओ, बनना ना ऐसी ठुक जा करेगी गाड़ी। ये देखो यार वो रहा टिप्टन। अबे टिप्टन देख मैं आ गया, वो भी हल्क बस्टर का सूट लेके। टिप्टन कहाँ रह गया यार? अबे टिप्टन रोपीरो तेरे पास हल्क बस्टर का सूट आ गया ना, अब तू जा और उस ईविल हल्क की पुंगी बजा दे। यारो अब चलते हैं हम लोग ईविल हल्क की सिटी में और ढूंढते हैं उस ईविल हल्क को, जहाँ पर मिलेगा ना उसको वहीं पर फोड़ेंगे। पर पहले यार कोई सुपर कार ले लेते हैं यार, हल्क बस्टर का सूट पहन के यार जाओ ना तो गर्मी लगती है, तुम लोग तो जानते हो कितना मोटा सूट है। मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार तुम लोगों को यार, तो बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार, तुम लोग समझा करो भाई लोग यार तुम लोग तो अपने। तो जल्दी से चलते हैं हल्क बस्टर, हल्क बस्टर नहीं यार उसे ईविल हल्क को देखने के लिए। कहाँ पर है ये ईविल हल्क? एक बार मिल जाए यार ना, मैं कह रहा हूँ यार मिल जाए हल्क बस्टर के साथ इसका मुकाबला करवा ही देते हैं, मतलब क्या होगा देखा जाएगा फिर यारो। पहले अभी ईविल हल्क को ढूंढते हैं। हाँ पर मैं तुम लोगों को सही बताऊँ ना, ईविल हल्क डर के भाग गया होगा अभी तक बाइस टाउन तक, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो हल्क बस्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पावर की वजह से, वो हल्क बस्टर की पावर की वजह से बिग बॉस भी कितना पावरफुल था। और ये अगर मैं हल्क बस्टर ना बनता ना अभी तो मैं ठुक जाता कतई दीवार से। क्या यार देखो तुम लोग खुद देखो, हल्क बस्टर है ना बंदूक की गोली जैसी बॉल भी बन जाता है। क्या बोला मैं,
जो भी बोला हूँ यार, पर मस्त लगाना ये हल्क बस्टर, सस्ता हल्क बस्टर। मैं अच्छा है यार, अच्छा है, ये भी हल्क बस्टर मस्त है। और हाँ यारो, और भी 4 पार्ट हैं, उनको नहीं देखा क्या? मतलब 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, मतलब टोटली 4 पार्ट हैं। अगर तुमने देख लिया तो कतई बधाई हो यार, तुम लोगों ने एवेंजर सीरीज रो पीरो की देख ली। तो गुड यारो, फिर मिलते हैं कितनी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड यारो। और तुम यार इन वीडियो को भी देखो यार, ये भी वीडियो मस्त मस्त हैं, तुम लोग तो जानते ही हो यार। और गुड यारो, फिर मिलते हैं कितनी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड यारो। और ज़रूर देखियो ठीक है ना, इस 4 पार्टों को ना शेयर करो अपने दोस्तों में कतई।